नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जिस बुक को रिव्यू करने जा रहे हैं, एनालाइज करने जा रहे हैं या फिर समराइज करने जा रहे हैं, उस बुक का नाम है थिंग्स टू लीव बिहाइंड, जिसे नमिता गोखले ने लिखा है। इस बुक को साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था 2021 में और ये बहुत ही कैप्टिवेटिंग हिस्टोरिकल कंटेम्प्रेरी नॉवल है जो ब्लेंड्स करता है हिस्ट्री को कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के साथ। किस तरीके से हम हिस्ट्री से कुछ चीज़ें ले सकते हैं और कुछ चीज़ें हमें पीछे छोड़नी पड़ती हैं। थिंग्स टू लीव बिहाइंड मीन्स कुछ चीज़ें जो आप पीछे छोड़ सकते हैं, जो हिस्ट्री से आप कुछ चीज़ें पीछे छोड़ देते हैं, कुछ चीज़ें आप अपने साथ ले जाते हैं। हालांकि ये टाइटल ऐसा लगता है कि बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग है, लेकिन ये टाइटल बहुत ही सिंपल वे में राइटर के दिमाग में आया था। वो बताती हैं, जब वो इस बुक को लिख रही थी तब वो इटली में थी और इटली में जब वो जाने वाली थी तब उन्होंने देखा कि उन्होंने बहुत सारा स्टफ गैदर कर लिया है। फिर उन्होंने एक लिस्ट बनाई कि वो कौन कौन सी चीज़ें वहीं पर छोड़ने वाली हैं, ठीक है। तब उनके दिमाग में ये टाइटल आया था इस बुक के लिए, थिंग्स टू लीव बिहाइंड। तो वैसे बहुत थॉट प्रोवोकिंग टाइटल लगता है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल सा टाइटल है जो राइटर का बहुत ही इजीली वे में उन्होंने प्रोड्यूस किया था। सो दिस इज हाउ राइटिंग वर्क्स। कभी कभी आपको बहुत टाइम लग जाता है कुछ चीज़ें बनाने में, तैयार करने में, और कभी कभी चीज़ें आपको जस्ट क्लिक कर जाती हैं। बहुत ही अमेजिंग नॉवल है। आपको इसकी कहानी समराइज करूंगा मैं, वो आपको बहुत ही मजा आएगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छी लगी तो फिर लाइक शेयर और कॉमेंट कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, समय वेस्ट करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, इस नोवेल की शुरुआत होती है देवीदत्त पंत से। देवीदत्त पंत एक गांव के सरपंच टाइप ही समझ लीजिए, बहुत ही रेनाउंड पर्सन है, वाइफ है उनकी, लेकिन उनका खुद का कोई बच्चा नहीं है। उनकी एक विडोड सिस्टर है जिसकी एक बेटी है तिलोत्तमा, या फिर तिल्ली के नाम से भी जानते हैं उसे, तिलोत्तमा उपरेटी उनका पूरा नाम है। तिलोत्तमा एक बहुत ही अमेजिंग काइंड ऑफ वुमन है, अमेजिंग काइंड ऑफ चाइल्ड है, ठीक है। उसे रेज करते हैं ये इस नोवेल में, उसे खुद रेज करते हैं ये अपनी विडोड सिस्टर को, जब उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। लेटर ऑन उसकी माँ की भी डेथ हो जाती है, और जिसके बाद ये जो हैं देवीदत्त पंत जो हैं वो इस लड़की को, तिलोत्तमा को, अपनी बेटी की तरह ही रेज करते हैं। इस नोवेल की सेटिंग की अगर बात करूँ तो सेटिंग रखी है कुमाऊँ में, अल्मोरा में, नैनीताल में, सतताल में और पन्ना ताल में। ये तीन चार जो इसकी सेटिंग्स हैं वो रखी गई हैं। और अगर पीरियड की बात करें तो पीरियड ये डील करता है अराउंड अप्रोक्सीमेटली 1842 से लेके 1912 तक। ये पीरियड डील करता है जब तक कि जो ब्रिटिश थे उनका राज्य स्थापित हो रहा था, धीरे धीरे उनका राज्य स्थापित हो रहा था भारत में, ठीक है। और उस तरीके से ही नैनीताल में, तो हालांकि उत्तराखंड में तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि ब्रिटिश का राज्य स्थापित हो, लेकिन इसी ईयर के अराउंड ये शुरू हो गया था। नैनीताल जो रिवर है, जिसमें कि माना जाता है कि माँ नैना देवी के जो नैन थे, माता के जो नैन थे, वो वहाँ पे पड़े थे, जिससे कि उसका नाम नैनीताल पड़ा था। तो जो नेटिव्स थे उन्होंने इस ताल से जो ब्रिटिशर थे उनको दूर ही रखा था कि उनको पता ना चले, लेकिन जब उनको पता चलता है इस नैनीताल में, जब वो वहाँ पे इस्टेब्लिश करते रहते हैं अपना राज्य, तब कोई ज़्यादा हमें उनकी ओर से लड़ाई देखने को नहीं मिलती है। इसके लिए अगेंस्ट जो लोकल्स हैं वो उसके अगेंस्ट ज़्यादा बोलते नहीं हैं, फाइट नहीं करते हैं, उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब अगर मैं स्टोरी पे वापस आऊँ तो स्टोरी में जैसे कि आपको बताया कि तिलोत्तमा, जो कि इस नॉवल की आप उसे प्रोटैगनिस्ट भी, काइंड ऑफ प्रोटैगनिस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, तो वो उसके हस्बैंड, उसके फादर और उसके मदर की डेथ हो जाती है। बाद में उसके अंकल देवीदत्त पंत और उसकी वाइफ उसको रेज करते हैं। उसके एक अंकल भी थे, चाचा जी थे उसके, एक अंकल चाचा जी जो थे वो दिग्दैत टाइप थे, ठीक है। वो ब्रिटिशर्स के ओपनली उनके खिलाफ बोलते थे और ये उनको बहुत पसंद करती थी। और नॉवल के शुरू में ही हमें पता चलता है कि ब्रिटिशर्स जो थे, जो जितने भी दिग्दैत थे, जो भी ब्रिटिश के अगेंस्ट बोल रहे थे, उनको चुप कराने के लिए वो इनके अंकल को फांसी की सजा दे देते हैं। पूरे गांव के सामने फांसी चढ़ाया जाता है उन्हें। और वो जो तिलोत्तमा है वो उसे एक तरह से मार्टियर देखती है, और जो ब्रिटिशर्स थे वो उसको एक तरह से एक प्रिजनर टाइप देखते हैं, ठीक है, एक डिक्टेट देखते हैं, कंसिडर करते हैं, लेकिन तिलोत्तमा उसे हीरो मानती है, अपने चाचा को हीरो मानती है वो, ठीक है। और दूसरी बात हमें पता चलती है कि वहाँ का जो सोसाइटी थी, जिसमें कि दो रोड थे, एक अपर मोर रोड था, एक लोअर मोर रोड था, ठीक है। तो जो अपर मोर रोड था वो था ब्रिटिशर्स के लिए, उनके घोड़ों के लिए, उनके जानवर वगैरह के लिए, और जो लोअर
मॉल रोड था वो डॉग्स के लिए, इंडियंस के लिए और जो भी जितने भी एनिमल थे वहाँ पे नैनीताल में उन सब के लिए था। तो इसी तरह के क्लास डिवीजन भी वहाँ पे हमें नोवेल में दिखाई देती है हिस्ट्री के साथ साथ। ठीक है, इसके बाद हमें पता चलता है कि तिलोत्तमा जो है उसकी शादी हो जाती है नैनचंद जोशी के साथ, जो कि एक सर्वेयर हैं, ब्रिटिश के अंडर काम करते हैं, लगातार ट्रैवलिंग करते रहते हैं, इधर से उधर भागते रहते हैं, वो घूमते रहते हैं। ठीक है, शुरू शुरू में उतने अच्छे रिलेशंस नहीं होते क्योंकि जो तिलोत्तमा है वो यंग एज लेडी है, 20-21 साल की, और 35-40 साल का ये बंदा है नैनचंद जोशी। तो बीच में थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट आती है लेकिन लेटर ऑन सॉर्ट आउट हो जाता है, लेकिन फिर भी एज ए हस्बैंड वाइफ इनका रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं होता है और सॉर्ट आउट करने की कोशिश ही कर रहे होते हैं। और थोड़े दिन बाद ही इनके एक बेटी होती है द्योकी, द्योकी जो कि एक अल्बिनो चाइल्ड है। ठीक है, वाइट है पूरी तरह से वो और आंखें उसकी ब्लूज टाइप हैं, तो स्किन प्रॉब्लम है उसको, ये कुछ बच्चों में बचपन से होती है, कुछ लोगों में बाद में हो जाती है। ठीक है, तो वाइट सी है वो द्योकी, जिससे कि और ये जनरली माएँ अडप्ट नहीं करती हैं, अडॉप्ट नहीं करती हैं, मतलब कि उनके बच्चा बुरा है या अच्छा है, लेकिन तिलोत्तमा जो है वो एक्सेप्ट करती है कि उसकी बेटी अच्छी नहीं है, इसीलिए वो उसे खुद रेस भी नहीं करती है। अपनी कज़न को तारीनी, उसकी एक कज़न है जिसके 3-4 बच्चे हैं, उसके पास ही ये छोड़ देती है अपनी बेटी को कि तुम ही रेस करो, और ओकेजनली दियो कि उसके यहाँ विजिट करती है। अब तिलोत्तमा जो है वो शी लाइक्स ब्रिटिश वेरी मच। ठीक है, तो वो उन्हें कॉपी करने की कोशिश करती है, अपने हस्बैंड के कपड़े पहनती है, पेंट सूट पहनती है कई बार, और बैठ जाती है और यू नो एक्ट करती है ब्रिटिशर्स की तरह, इस तरीके से मरमर करती है कि वो अंग्रेजी बोलने की कोशिश कर रही है। उसकी एक कज़न उसे देख भी लेती है और वो पूरे गांव में ये खबर फैला देती है कि उसे लगता है कि कोई अंग्रेज आया हुआ है इसके तिलोत्तमा के पास, तो उसे लगता है कि इसका अफेयर चल रहा था किसी अंग्रेज के साथ, तो वो पूरे गाँव में यही खबर फैला देती है। ठीक है, अब कुछ समय बाद हमें पता चलता है कि जो नैनचंद जोशी है उसकी अपने वाइफ के साथ उतनी नहीं बनती है, उसने साइड में एक घर ले रखा है जिसमें कि उसने एक यू नो साइड वूमेन रखी हुई है, नेपाली वूमेन जिसके साथ वो रहता है, और वो घर में कम ही आता है। ठीक है, हालांकि घर में किसी को पता नहीं है, लेकिन नैनचंद जोशी जो है वो अलग से ही उस वूमेन के साथ रहता है। ठीक है, तो अब इनका जो एज ए हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप था वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ठीक है, अब डिसाइड किया जाता है कि द्योकी की शादी कर दी जाएगी। हालांकि जो तिलोत्तमा है वो चाहती है कि अपनी बेटी को पढ़ाए लिखाए, इसके लिए वो एक ट्यूटर भी हायर करती है जो उसे इंग्लिश और संस्कृत सिखाता है, लेकिन लेटर ऑन उसकी नहीं चलती है, और क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी थी उस टाइम पे, और नैनचंद जोशी जो है वो यू नो फोर्सफुली देवकी की शादी कर देता है, कि वो डिसाइड कर लेता है कि अब इसकी शादी हो जाएगी। ठीक है, उसकी शादी होती है जयेश चंद्र पंत नाम के एक लड़के के साथ। ठीक है, और जयेश पंत यू नो जयेश चंद्र पंत के साथ जो इसकी शादी होती है, जो जयेश चंद्र पंत है वो एक्चुअली एक वाइट वुमेन को पसंद करता है जिसका नाम है रोजमेरी बोदेन। बोदेन एक क्रिश्चियन मिशनरी की बेटी है और ये खुद एक लेप्रोजियम हॉस्पिटल चलाते हैं यू नो इसी सोसाइटी में, और जे उसे बहुत पसंद करता है, रोजमेरी भी उसे बहुत पसंद करती है, लेकिन एक ऐसा इंसिडेंट होता है नोवेल में जहाँ पे कि रोजमेरी की जो बहन है, बड़ी बहन है, वो उससे किस कर लेती है। ठीक है, और जेश को किस कर लेती है, लेकिन फिर भी रोजमेरी को पता नहीं चलता है हालांकि इसके बारे में, लेकिन वो दोनों यू नो एक दूसरे को पसंद करते हैं, ये बात क्लियर है। लेकिन जेश की भी शादी जो है वो फोर्सफुली कर दी जाती है देवकी के साथ, इसीलिए वो देवकी को पसंद में ही नहीं करता क्योंकि वो अल्बिनो चाइल्ड है, ऑब्वियसली जेश एक हैंडसम लड़का है, तो वो क्या करता है, अब इनका फैमिली बिजनेस है चूरन का, और वो अपने चूरन का भान लगा के कि वो उसको बॉम्बे में जाके भेजेगा क्योंकि ये बॉम्बे में पढ़ लिख के आया है, अच्छा पढ़ा लिखा लड़का है ये, तो वो ये बोलता है कि इसका बिजनेस ये बॉम्बे में यू नो करेगा जाके, लेकिन फैमिली को पता है कि ये यहाँ से भाग रहा है, स्टिल वो रोक नहीं पाते उसे, वो वहाँ पे चला जाता है। वहाँ पे वो मैरी नाम की एक प्रोस्टिट्यूट से मिलता है जिसके साथ उसके इलिसिट रिलेशनशिप होते हैं। ये मॉरली कंसिडर नहीं किया जाता था, राइट उस टाइम पर कंसिडर नहीं किया जाता था, आज भी कंसिडर नहीं किया जाता, लेकिन आज इसके बारे में थोड़ा ओपन हो चुके हैं हम, लेकिन उस टाइम पे तो ये बिल्कुल ही गलत था। ठीक है, तो मैरी के साथ ये वहाँ पे रहता है कुछ दिन और मैरी से अपने पूरे जाल में फंसा ही लेती है। हालांकि इसका वहाँ पे एक दोस्त था यू नो पारसी दोस्त था इसका, वो उसे मैरी के चंगुल से बचा लेता है और वापस इसको घर भेज देता है। जब ये घर आता है तो ये सबके सामने ये बोलता है कि मैं सच बताऊंगा, घर पे जाके सीधा सच बता देता है कि जैसे ये प्रोस्टिट्यूट के साथ रहा है, इसने मीट खाया है, बीफ खाया है, शराब पी है इसने। तभी इसके जो अंकल थे जिसके साथ ये रहता था जयेश चंद्र पंत, वो इसे गुस्से में आके घर निकाल देते हैं, इसका यू नो इसके वरियर राइट्स भी करते हैं वो बाद में कि ये मर चुका है उनके लिए, वो कंसिडर कर देते हैं ये। ठीक है, ये कि उसका जो बेटा है, जो उसका जो नेफ्यू है, उसके लिए मर चुका है। ठीक है, क्योंकि ये अपने बेटे से भी ज़्यादा इस बच्चे को प्यार करते थे, जयेश को प्यार करते थे। ठीक है, और जयेश क्या करता है, जयेश वहाँ से छोड़ के ईडन गार्डन चला जाता है। ईडन गार्डन ये रहता है रोजमेरी के साथ।
ठीक है। रोजमेरी ने एक अपना नया स्कूल खोला है, मशीनरी टाइप स्कूल खोल रहा है, जिसमें कि वो जो बच्चे पढ़ लिख नहीं सकते इंडियंस उनको पढ़ाई देती है, उन्हें उनको एजुकेशन देती है ये, ठीक है। अब ये रोजमेरी बहुत दिन के साथ जाके उस स्कूल में ज्वाइन कर लेता है। अब वो देवकी है वो तो बेचारी वहीं पर रहेगी, अब तक उसका कुछ हुआ भी नहीं है जेश के साथ, मतलब एज ए सेक्सुअल रिलेशनशिप अभी तक नहीं हुआ है, हालांकि दे आर मैरिड फॉर मोर देन ए ईयर, ठीक है। अब ये अपनी माँ को लिखती है कि तिलोत्मा को लिखती है कि मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है। तिलोत्मा वहाँ पे आती है और देवकी अपनी बेटी को लेके वहाँ से सीधी वो ईडन आश्रम पहुँच जाती है, ठीक है। वहाँ पे ये उसे बोलती है कि तुम्हें मेरी बेटी को लेना ही पड़ेगा, एंड देन ही सेड कि आई हैव रिनाउंस्ड एवरीथिंग, बट बोलती है कि तुम इसे रिनाउंस नहीं कर सकते हो, ठीक है। वो जयेश जो था, जब वो रोजमेरी के साथ ईडन आश्रम में गया था, तब उससे ये बोला गया था कि आपको अपना नेम चेंज करना पड़ेगा, क्रिश्चियनिटी में आना पड़ेगा, ठीक है। वो जयेश खुद भी चाहता था क्रिश्चियनिटी में जाना, क्योंकि हिंदू धर्म उसे कहीं ना कहीं खोखला लग रहा था, ठीक है। हालांकि जब वो बॉम्बे से वापस आता है तो खुद वो गौमूत्र से अपने आप को पवित्र भी करता है, हालांकि कहीं ना कहीं बिलीफ उसके वहाँ पे हैं अभी भी, लेकिन वो कन्वर्ट हो जाता है क्रिश्चियनिटी में। अब वो बन जाता है जयेश चंद्रपंत से जयेश जॉनस पंत बन जाता है वो, ठीक है। अब जब देवकी वहाँ पे आती है तो देवकी भी कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि उसका हस्बैंड कन्वर्ट हुआ था, तो इवेंचुअली उस देवकी को भी कन्वर्ट होना पड़ेगा, और वो देवकी से बन जाती है, देवकी चंद्रपंत से बन जाती है वो डायना जॉनस पंत, ठीक है। अब वो वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं। इस टाइम पे देवकी पे उसकी मदर का कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, क्योंकि वो सेक्सुअली सड्यूस करने शुरू कर देती है अपने हस्बैंड को, और आपको अपने हस्बैंड के यहाँ जाती है और वो अपने आप को रिजिस्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे मैरी की याद आती है, ठीक है। ही हैड सेक्सुअल एनकाउंटर विद मैरी ना, तब देवकी इसको हर रात को सड्यूस करना शुरू कर देती है। लेकिन तभी एंट्री होती है एक आउटसाइडर की। अब इसकी जो बहन है रोजमेरी बोर्डन की, जो बड़ी बहन है, इसने एक लड़के से शादी कर ली थी, उसके बाद ये चले गए थे अमेरिका में। वहाँ से एक बंदा आया है विलियम डेम्स्टर नाम का, जो कि एक आर्टिस्ट है, पेंटर है, वो यहाँ पे रहने आया है। उसको स्पेशली भेजा गया है कि वो रोजमेरी के साथ रहे, रोजमेरी को पसंद करे और मे बी उन दोनों की शादी हो जाए। लेकिन जब वो वहाँ पे आता है तो उसे देवकी ज़्यादा पसंद आती है, जाके फिर डायना ज़्यादा पसंद आती है, और डायना और ये दोनों आपस में टाइम स्पेंड करना शुरू कर देते हैं पन्नाताल में। ये इनका दोनों का सेक्सुअल एनकाउंटर भी रेगुलर बेस पे होता है, घर पे भी होता है, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा होता है, ठीक है। जब जो इसकी पेंटिंग कर रहा था, साथ साथ में इनका सेक्सुअल एनकाउंटर भी चलता है, ठीक है। और एंड में हमें पता चलता है कि देवकी जो है वो प्रेग्नेंट हो गई है, ठीक है। इसमें इस घर में एक नौकर भी है जिसको ये सब बात पता है, देवकी उसको कुछ पैसे देती है कि वो चुप ही रहे इसके बारे में किसी को ना बताए, ठीक है। विलियम भी शायद उसको कुछ पैसे देता है, ओके। और जब उन्हें पता चलता है कि ये प्रेग्नेंट हो गई है, तब वो रिक्वेस्ट करती है विलियम से कि तुम अभी इसे छोड़ के चले जाओ, ठीक है, क्योंकि अगर तुम यहाँ रहे तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और जो जयेश पंत सॉरी जो विलियम डेम्स्टर है वो वहाँ से एक्चुअली में छोड़ के चला जाता है। जाते जाते इसको एक पेंटिंग गिफ्ट करके जाता है, जो कि न्यूड पेंटिंग बनाई थी इसने, देवकी की, जिसको कि वो मना कर देती है लेने से, कि बोलती है कि इसको वो रख नहीं पाएगी। लेकिन फिर वो रातों रात इस पेंटिंग में कपड़े चढ़ा देता है और सुबह उसको वो पेंटिंग देके चला जाता है वहाँ से। और देवकी ऑब्वियसली बाद में बच्चों को जन्म देती है, और देन इसी के साथ हमारा जो ये नॉवल था यहीं पे समाप्त हो जाता है। तो देखिए, थिंग्स टू लीव बिहाइंड जो नमिता गोखले ने नॉवल लिखा था, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवल है, रोमांस से भरा पड़ा, हिस्ट्री से भरा पड़ा है, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, फेमिनिज्म, वुमेन सिचुएशन इन द सोसाइटी, द क्लैश बिटवीन इंडियन एंड ब्रिटिश, एवरीथिंग हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन ए डिटेल्ड मैनर इन दिस नॉवल। तो बहुत ही अमेजिंग नॉवल है। आई होप कि आपको ये वीडियो और ये नॉवल की कहानी अच्छी लगी होगी। एक बार इस नॉवल को जरूर पढ़िएगा, आपको बहुत ही मजा आएगा। नई वीडियो लेके मैं जल्दी आपके सामने हाजिर हूँगा। टिल देन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आपको हमारे चैनल पे रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती हैं। नई वीडियो लेके जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।